मध्य प्रदेश की राजनीति बयानों से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर आरोप लगाया कि वोटों की भूख में पागल होकर मध्य प्रदेश को अशांति और वैमनस्य की खाई में धकेल रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने शिवराज की भाषा पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। तो वहीं इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, वोटों की भूख में पागल हो गए कमलनाथ। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्व मुख्यमंत्री जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे, मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उससे मैं का वीडियो दुनिया ने देखा है, क्या वो केवल वोट बैंक मान के काम करते हैं? क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोज अवतार के समय फिर वो कह रहे हैं, इस साल अभी परसों की घटना है, और एक समुदाय को कह रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं देश में प्रदेश में, कहां मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं, कहां मध्य प्रदेश में अशांति है, लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप, अशांति और वैमनस्य की खाई में। क्या आप मनी मन ये काम ना करते हैं कि दंगे भड़क जाएं? जब कोविड था तब भी ये सबों को देख के प्रसन्न होते थे, लाशों को देख के आनंदित होते थे। ये राजनीति की स्तरहीनता मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी। हमने देखा रामनवमी पर भी, हनुमान जयंती पर भी, हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने भी कई जगह पुष्पों की वर्षा की है। ये सद्भाव आपको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश को दंगों की आग में हम झोंकने नहीं देंगे, अमर और चैन यहां कायम रहेगा। तो सुना आपने, सीएम शिवराज का साफ कहना है कि कमलनाथ वोटों की भूख में पागल हो गए हैं, जिस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। शिवराज जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू था और रहेगा। आपने अपने 18 साल के कुशासन में मध्य प्रदेश की शांति भंग कर दी। जब आप सुबह मीडिया से मुखातिब होकर मुझे गालियां दे रहे थे, तब भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों कर्मचारी आपके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आपने नौजवानों से रोजगार छीन लिया है, किसानों से उपज का सही मूल्य छीन लिया, बहनों से उनकी सुरक्षा छीन ली, अल्पसंख्यक दलित और आदिवासियों से सामाजिक न्याय छीन लिया, पिछड़ा वर्ग से कांग्रेस का दिया आरक्षण छीन लिया, सामान्य वर्ग से विकास की संभावनाएं छीन ली। आपने हर वर्ग के जीवन से सुख शांति का हरण कर लिया है। आपने 18 साल में पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी है। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।